भाई साहब हैं यहाँ पे और पैदल चल के आ रहे थे, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहसिन। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं? हम कहाँ से आ रहे हैं? पबरंगा से आ रहे हैं। अच्छा पैदल कहाँ से चल के आ रहे हैं? पैदल जो है चिल्ला के उस पास है। अच्छा ये ट्रकों की जो लाइन है कहाँ तक लगी हुई है? ये तो लगी पलरा तक। पलरा तक लगी हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 10 किलोमीटर पलरा वहाँ तक लाइन लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे सभी लोग जो है भाग रहे हैं। यहाँ पे शायद ट्रक चालक हैं या फिर उसमें बैठे हुए थे। तो अब यहाँ पे जानकारी मिली है कि पलरा, तो पलरा यहाँ से 10 किलोमीटर है और यहाँ से जो बंधवा है वो 9 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर ब्रिज हो गया, इसका मतलब है कि टोटल 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक लगी है लाइन? ये सर लगी है कम से कम यहाँ से बांदा तक लाइन पहुँच गई है। बांदा तक पहुँच गई? अच्छा, सरकार से ये अपील है, ये तो ड्राइवरों के लिए इतना सब मेहनत कर रहे थे, कम से कम कुछ हमारा। अच्छा, कितने घंटों से खड़े हुए हैं यहाँ? मैं सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ। 6 बजे से खड़े हुए? मतलब 10-12 घंटा हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए ट्रक चालकों का क्या कहना है कि सुबह 6 बजे से कोई 10 घंटे से कोई 8 घंटे से यहाँ पे फंसे हुए हैं, पर अब थोड़ी इनको शायद राहत मिली है। हाँ, लग रहा है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, अभी तक कुछ खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, तो खाने पीने की सबसे बड़ी समस्या हो जाया करती है जब ऐसे जाम लगे। कुछ मिलेगा यहाँ पे? कुछ उस पार है, उस पार है, रोक के आपको सब कुछ मिल जाएगा जी सर। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ देख सकते हैं कि ट्रक चालक है बेचारे, भूखे प्यासे खाए पिए जब फंस जाते हैं जाम में तो उनको बहुत परेशानी होती है। एक तो ठंडी का टाइम है और यहाँ नज़दीक में कोई होटल भी नहीं है। देखिए जा रहे हैं सभी लोग जा रहे हैं यहाँ पे और ब्रिज खाली होने जा रहा है। कितने घंटों से खड़े हैं? सुबह से खड़े हैं, 10 बजे से। सुबह 10 बजे से? 10 बजे से आए हैं, अभी जाम नहीं खुला, जाम में चल रहे हैं। जाम कहते हैं ललौली में कोई ट्रक फंस गया गड्ढे में। हाँ, तो यहाँ रोज जाम लगता है। रोज जाम लगता है क्या है? बेंदा का जो ब्रिज है वो भी नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, वो तो 1 साल होने वाले, अभी नहीं चला। अच्छा अच्छा, सुनाई है कि जल्द ही चालू हो जाएगा। अगर चालू हो जाए तो बहुत बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं? हम फतेहपुर जिला के। फतेहपुर के, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे खुल गए हैं शायद, थोड़ा आपको जाने को मिल रहा है। अगर आगे जाम लगा हुआ है तो ये भी ड्राइवर भी क्या करे बेचारे। देखिए फिर आगे जाम लग गया है। अब हम जब आते हैं ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो भाई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए अब ये आगे बढ़ा के उस पार जाम लगा देंगे तो क्या करें, अब इनकी भी मजबूरी है। रोड में आगे जगह ही नहीं मिलेगी तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। चलिए अब आधा ब्रिज तो खाली हो गया है और लगभग जाम शायद खुला या नहीं खुला इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, पर इस पार से बांदा पार से ब्रिज खाली हो गया। अभी तक फतेहपुर पार खाली था, जैसे ही हम उस पार से इस पार आए तो इस पार का भी ब्रिज खाली दिख रहा है, पर ट्रक काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं और शायद पीछे जाम लगा हुआ था और अब उनका आना शुरू हुआ है। पर ये अगर जाम आगे लगा है तो ट्रकों का जो लाइन है ट्रकों की वो फिर से ब्रिज में इसी तरह से लग जाने वाली है। पर यहाँ पे जाम का जो कारण बताते हैं जो ट्रक चालक हैं, ललौली और बहुआ के बीच में जो खड्डे हैं उन्हीं खड्डों में जब कोई गाड़ी फंस जाती है क्रॉस होने में या ट्रक फंस जाता है तभी ये जाम लगता है और तभी ये ट्रक वाले बेचारे खड़े रहते हैं। क्या करें, अब ये शौक से तो खड़े नहीं रहते हैं, आगे अगर जगह नहीं है रोड में तो खड़े रहना इनकी मजबूरी हो जाती है। पर ऐसे ही जब अनावश्यक ये खड़े रहते हैं तब भी हम इनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पर आज यहाँ पे देखो ये भैया हैं, कुछ कहना चाहते हैं और इनसे बात करते हैं। कितने 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 घंटों से लगा हुआ है? कम से कम 10 घंटों से। 10 घंटों से? कहाँ के रहने वाले? बाराबंकी के रहने वाले। अच्छा आ कहाँ से रहे? अच्छा यहाँ आगे कहाँ पे रास्ता जो खराब है? ललौली थाने के पास। खड्डे कितने बड़े बड़े? बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे। हाँ, तो उसी के कारण से ये जाम लग जाता है। हाँ, उसी के कारण। तो क्या आपके पास फोन आया कि आगे खुला है? नहीं, फोन नहीं आया अभी। हाँ, और धीरे धीरे लाइन बढ़ रही है। अच्छा बढ़ रही है। हाँ। अब देखिए यहाँ से लाइन खिसक के उस पार खड़ी हो गई है, फिर आगे ये देखिए पूरी लाइन फिर से भर गई है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आगे और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रक चालक है बेचारे, क्या करे अभी ऐसे ही लाइन फंसती है, ये भी बेचारे मजबूर हो जाते। देखो भैया है आत रहे हैं। कितना घंटे से फंसे हैं भैया? आज हो गए 9 बजे सवेरे से फंसे हैं। कुछ खाया वाया के नहीं? अरे खाने पीने की जो दर्दशा है भाई साहब, क्या बताएं मेरे भाई। कुछ पार है होटल, वहाँ खाना मिल जाएगा। अब तो शाम हो गया, अभी जाएंगे तभी तो मिलेगा। चल नहीं उस पार है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए
सुबह 9 बजे से कोई रात से सब यहाँ फंसे हुए देख सकते हैं। तस्वीरें ये देखिए, इस तरह से यहाँ लाइन लगी हुई है। पूरा ब्रिज पार करके हम आ चुके हैं और उस ब्रिज से गए भी थे, तो यहाँ क्या करें। जब से ये बेंदा का ब्रिज खराब हुआ है तब से यहाँ पे जाम लगना शुरू हुआ है। पहले ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी यहाँ से, पर बेंदा का ब्रिज जब से टूटा, क्षतिग्रस्त हुआ, तो वहाँ की भी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं। क्या नाम है सर? वीरेंद्र नाम है सर, बताइए। अच्छा ये बताइए, बेंदा घाट का जो ब्रिज है वो बना कि नहीं बना? अभी कहाँ बना, अभी बना होता तो इधर से क्यों आते? हाँ, ये जो जाम लगता है खास करके, तो जो बेंदा की लाइन बंद है इसी वजह से लगता है। जी जी जी, ट्रैफिक जाम। आप भी ट्रक चालक हैं? हाँ जी, हाँ, आगे गाड़ी है हमारी। कितने घंटे से खड़े हैं ये? सुबह 10 बजे से खड़े हैं यहाँ। 10 बजे से? हाँ, आए दिन का यही रोज का काम है। खाना पीना कुछ मिला के नहीं? खाना पीना यही नदी का पानी फ्री का, यही पी लेते हैं बस नीरे जाके। चलिए, और तो कुछ नहीं। जाम खुलने का कुछ आपके पास समाचार आया? नहीं, अभी तो नहीं आया, धीरे धीरे लाइन चल रही है सर। लाइन चल रही है, क्या करें, मजबूरी। एक साल से ज्यादा हो गया, पता नहीं क्या कर, इनमें तो नया पुल बन जाता है। कहते हैं रिपेयर हुआ है, पता नहीं कहां से रिपेयर हो गया, चालू भी होने वाला है ऐसा। तो चालू हो जाए तो गुड न्यूज है। तो चालू हो जाएगा तो ये थोड़ा सा यहाँ जो ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, जाम मेन रोड है, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो चालू हो जाता तो इधर ट्रैफिक होता ही नहीं है, क्योंकि इसी वजह से जाम लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। फिर से जो है गाड़ियाँ खड़ी हो गई, ये देखिए बांदा साइड, और ये आपको दिखा देते हैं फतेहपुर साइड। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हम फैजाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम इधर बांदा से आ रहे हैं। कितने घंटों से फंसे हुए? हम 10 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं। सुबह 10 बजे से कि रात को? सुबह 10 बजे से हैं। सुबह 10 बजे से, तो सुबह 10 बजे देखो इनकी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, कुछ आपको ये पता है कि पीछे कहाँ तक लगा हुआ है जाम? अरे पीछे बहुत दूर होगा ये, बहुत दूर तक लगा हुआ। दूर तक होगा जी। तो कहीं खाना वाना खाने को मिला कि नहीं मिला? चाय नहीं मिला, खाने की तो बात दूरी। देखिए, चाय खाना किसी को नहीं, पर जो कैसे भी करके क्या करे, क्योंकि यहाँ लगभग 1 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। उस पार है ब्रिज के, उस पार एक होटल है, उस पार आपको खाना मिल सकता है। अरे तो वहाँ पहुँचने बहुत समय लगेगा, पर इनकी गाड़ी यहाँ फंसी है, जब आगे बढ़ेंगे तभी पहुँचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज नहीं खुल पाता है तो ये रात भर यहाँ खड़े रहेंगे ऐसा। क्या नाम भैया? सलमान। कितने बजे से खड़े हैं यहाँ पर? 1-2 बजे से खड़े हैं। अच्छा, दोपहर को। पीछे कितने दूर तक लगा है जाम? बहुत दूर तक, 3-4 किलोमीटर। अब बढ़ गया होगा, अब तो और बढ़ गया, और बढ़ गया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, ये भैया का भी कहना है 5-6 किलोमीटर तक पीछे भी जाम लगा हुआ है, और वो तो दिख ही रहा है, ये आप देख सकते हैं पूरा ब्रिज भर चुका है, चिल्ला साइड भी भर चुका है। अच्छा, बेंदा लाइन से आते हैं कि नहीं कभी? हम नहीं, उधर से नहीं आते। उधर कभी नहीं आए? नहीं। तो वो ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हुआ, इसलिए यहाँ ज्यादा जो है ट्रैफिक भीड़ हो जाती है। हाँ, इधर ज्यादा ट्रैफिक। अभी कहाँ से आ रहे हैं? कबरई से। कबरई से? तो ये पीछे कहाँ तक जाम लगा है? पीछे होगा 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। जानकारी वही मिल रही है कि लगभग पीछे 10 किलोमीटर और आगे भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये भाई साहब भी है, आप भी ट्रक चालक है? नहीं भाई। अच्छा, यही के हैं, गाँव के? कल से लगा है, कल से। अभी भी अगर नहीं खुला तो ये रात भर भी यहीं फंसे रहेंगे, ऐसा हो सकता है। 2-2.5 किलोमीटर हम पैदल चल चल के खुद भी थक गए हैं, और बेचारे ये खड़े खड़े थक गए हैं, ऐसा ही ना भैया? हाँ, ऐसा। थक गए हैं कि नहीं थके? हाँ, थक चुके हैं। अच्छा, ये सही ईमानदारी से बताइए, कुछ खाया कि नहीं? अभी कुछ नहीं खाया। सच में? सच में। चाय नाश्ता कुछ भी नहीं, सुबह से हुआ, सुबह से जाम में फंसे हैं। चौराहे में तो दुकान है? चौराहे में दुकान है, खाना चाहिए ना? हाँ, भेजे हैं अभी। भेजे हैं? हाँ। अच्छा, पका रहे हैं, पकाने के लिए सभी ट्रक वाले? हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हो तो मंगवा दो, खा ले यहीं पर। देखिए, भैया कहते हैं मंगवा दो, कुछ खा लेते हैं, पर हम किसको किसको मंगाएंगे भैया? जब देखो हमारे से होता है तो हम बटवाते भी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हम भी जो सुबह से भूखे पड़े हैं इस जाम। कितने बजे से फंसे? अरे यहाँ जो रात से पड़े हैं। अभी भी रात हो जाएगी अगर जाम नहीं खुला? रात क्या, सुबह हो जाएगी। देखिए, आपको खाना ब्रिज में नहीं मिलेगा, या तो उस पार मिलेगा, या तो ये शादी मदनपुर चौराहा है या चिल्ला है, आपको बता देते हैं, यहीं खाना मिलेगा अगर रात को नहीं मिलता है तो। या फिर अगर कल जाम लगता है तो हमारे गांव के लोग हैं, जब हम बोल देते हैं तो वो पूरी सब्जी यहां पे बेच जाते हैं। ये हो सकता है। ठीक है, देखो भाई साहब भी उतर आए हैं। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम है देवशरण। आप कितने बजे फंसे हुए? मैं फंसा हूँ सुबह से। कहाँ से आए हैं अभी? बांदा। बांदा। अच्छा, ये जानकारी तो होगी ना कि पीछे कहाँ तक लग गया जाम? 30 किलोमीटर का लंबा जाम इस समय लग चुका है, जैसे जानकारी मिल रही है। इसका रीजन ललौली तो है। ललौली खड्डा। अच्छा, ललौली से आते जाते खड्डे कितने बड़े बड़े? अरे बहुत बड़े बड़े। मत देखो ये जाम कब तक, कब गाड़ी खड़ी हो जाए जाम। तो देखिए, जानकारी ये है कि आगे ट्रक फंसा हुआ है और ट्रक की वजह से ये जाम लगा हुआ है।
सरकार योगी जी मोदी जी हर रोड को देखते हैं क्या? फतेहपुर जो जंक्शन है इसको कभी नहीं देखे? कहते हैं जो बिंदकी रोड है बन रहा है और जो जोनिया है आप गए होंगे। अरे मैं देख रहा हूँ काफी दिन हो गए, 22 साल हो गए देखते हैं। अभी वो बन रहा है लेकिन जो जिससे फतेहपुर का मार्ग हम लोग जीटी रोड मिलता हो तो कभी नहीं बना, गड्ढे भी नहीं मुक्त हुए कभी। 7-8 किलोमीटर टुकड़ा ऐसा है कि 24 घंटे का जाम का सामना करना पड़ता है। इसमें एम्बुलेंस भी है। खास करके ललौली के पास कैसी स्थिति है? ललौली की स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत जर्जर है। पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर बन गया है। पूरा पाकिस्तान हाँ इंडिया का बॉर्डर। इसको मोदी जी नहीं देखते क्या कि क्या स्थिति है? देखो जानकारी जो है हमारे पास कि रोड बन रहा है, ठीक है रोड बन रहा है, लेकिन हम बीमारी तो आज यही चल रही है। कैसे बन रहा है, कितना तेजी से बन रहा है? गड्ढा मुक्त तो कर देना चाहिए, गड्ढों में कुछ भर देना चाहिए ना। ये बताइए राष्ट्रीय मार्ग है सब, बांदा साइड से आप आ रहे हैं जी, बांदा में ऐसा देखने को मिला गड्ढा? नहीं नहीं बांदा गड्ढा मुक्त है पूरा, हमारे बांदा का तो नाम है। बहुत 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 अरे फतेहपुर जिले में खास करके सभी रोडे खराब है और बहुत बड़े बड़े खड्डे है। आप ललौली और ये बंधवा पौवा से लेकर ललौली तक बड़े बड़े खड्डे हैं, पूरा रोड उधड़ गया। ट्रैफिक एक दिन का हो तो सोचा जाए, तो डेली का नियम हो गया ना, डेली का नियम हो गया। इस पे कोई सुनवाई नहीं, कोई देखरेख नहीं, कोई यहाँ का मंत्री मिनिस्टर या सांसद या बेंदा बेंदा से आए गए हैं कि नहीं? बेंदा वाले जी आए हैं, वो तो आज सुन रहे हैं नए साल में उसका उद्घाटन होने वाला है, पता नहीं कितना 2025 में होगा, इस महीने में हो जाएगा? नहीं अभी 2025 के पहले कुछ नहीं होगा उसमें, वो ब्रिज का जरूरी नहीं। हाँ चलो देखो गाड़ी बढ़ रही है, भैया का कहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। सभी भैया देखो यहाँ पे, और फिर से जो है जो ब्रिज है पूरा वो जाम हो चुका है, ट्रक फिर से लाइन से लग गए हैं। जैसे देखो भाई साहब हैं कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम भैया आपका? अरुण कुमार तिवारी। कहाँ से आ रहे हैं अभी? बांदा से कबराई। अरे कहाँ तक पीछे जाम लगा है? अरे बहुत दूर तक लगा, बहुत दूर तक लगा, बहुत दूर तक लगा। और आप यहाँ कब से फंसे जाम में? सुबह से परेशान है सब, खाना पानी कुछ नहीं मिला, पानी। सही बात है। कहाँ देखिए फिर से गाड़ियों की लाइन रुक चुकी है और भाई साहब से पूछते हैं क्या नाम है सर? रोहित यादव। कितने घंटों से फंसे हुए? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से। और कुछ मैसेज आया आगे से कि? नहीं बस ऐसे चल रहा है धीरे धीरे, अभी तक आगे खुला नहीं है। नहीं और लगभग कहते हैं 20 किलोमीटर का जाम लग चुका है। हाँ अब देखिए खुल जाता है तो ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम आपको उत्तर प्रदेश की हर एक खबर इसी तरह से दिखाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।